जब पदाधिकारी हो जाए अपराधियों और दबंगों के सामने नतमस्तक तो निरीह जनता क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। दरअसल 2012 से ही एक ऐसा परिवार है जो 2012 से ही अपने घर से बाहर दर बदर भटकने को मजबूर है। वजह है कि दबंगों ने इनके घर को हड़प लिया है। सोमवार को ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। इसके बाद आनंद जब खबर चलने के बाद आनंद फानंद में पदाधिकारी इनको उठा के वहाँ पे ले गए और तब हद तो तब हो गई जब पदाधिकारी के सामने ही दबंगों ने इन्हें इनकी हत्या करके केस को पचा जाने की बात कही। क्या है पूरा मामला, आइए हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या हुआ था सर? यहाँ से ले गया कर्मचारी थाना, वहाँ हमको बहुत देर तक बैठा दिया। बाद में आए कुछ देर के बाद में और हमारे ऊपर पर डांटे हैं। डांटने के बाद में कहता तुम्हारा ही गलती है। जबकि कलेक्टर साहब बोले से यहाँ पर उसको दाखिल करवाइए और उसको घर से निकलवाइए। आइए कहता अलगे हम जमीन नापी जोखी करेंगे। प्रशासन एक बार कुछ नहीं बोले, क्यों ऐसा बोलते हैं? कल जब वहाँ पे आप गए थे तो सीओ और वहाँ पे थानाध्यक्ष सामने में जो जिसने आपको के घर को कब्जा कर लिया है, क्या कहा उसने? वो बोला तुम्हारे यहाँ का कोई हक नहीं, ज्यादा करेगा मारे पीटेंगे, गोली चलाने का नौबत में आ गया था। प्रशासन कुछ नहीं बोले, हमके हमारे भी धमकी लगे। प्रशासन है सीओ क्या बोले? बोला सर तो हट जाओ, बगल हो जाओ। न घर गया, रोडे पर सब जाँच किया, जब रोड है कि घर जमीन है कि घर पर जमीन है, पैखाना कोई दिक्कत? बोला हम सब देख लिए हैं, रोडे पर खड़ा था उसके डर के मारे। प्रशासन किस लिए हुआ? रक्षा करने के लिए, खाली नाम का प्रशासन है। अब आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? आप एक बार धरना पर बैठे थे, फिर दोबारा बैठे हैं। हाँ तो सीओ थाना वाला बोला कि ले गया हमको जबरदस्ती। यहाँ जूना सिंह बोला नहीं जाओ, यहाँ सब बैठो। मैं नहीं माना, सबके ले गया, बोलता गाड़ी पर ले जाएंगे। आपका बार गाड़ी लेकर भाग गया, हम साइकिल से गए, हमारे परिवार बैठी वाला गाड़ी से गए हैं। वो भी सब देख लिया क्या हुआ नहीं हुआ। सब बाले बच्चे हमको मारने दौड़ गया मारने के लिए, आगे जाने नहीं दिया जाए। वहाँ बहुत सा आदमी सारे भीड़ लगा हुआ। अब क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिए, हम धरना नहीं छोड़ेंगे जब तक हमको नहीं घर मिलेगा, जब ऐसे जाएंगे नहीं, इसी पर जान देंगे यहीं पर जाकर। प्रशासन वहाँ रुपया ले लेते हैं जाकर, वहाँ आदमी मौजूद था, सब हमको बोला ये आदमी ब्लॉक पर थाना पर बैठा हुआ रुपया लेकर सीओ कलेक्टर के पास। इसके ऊपर और कहीं? और ऊपर सगरे गए, मुख्यमंत्री भी गए हैं, आईजी डीआईजी कन गए हैं, कुछ नहीं हुआ। मटियानी आते थे दाब देते हैं जाकर, वहाँ सही आते हैं, यहाँ दाब देते हैं। न डीएम न एसपी कोई हमको आगे नहीं बढ़ाते हैं। उसने जमीन का दाखिल किया है वो बोल रहा था कि सब केस का बेल होता है, मर्डर केस का बेल नहीं होता, हम अभी तुमको मर्डर कर देते हैं, ऐसे ऐसे खूब बोला था। प्रशासन भी उनको दांत नहीं दिया और उल्टे ही हम ही को दांत को भगा दिए, साइड कर दिए, ना ही तो वहाँ पे जांच किए ना ही कुछ किए। यही होता है प्रशासन का, बोला कि यहाँ कुछ नहीं होगा, जमीन है हमारा तो है ये नहीं है, बोला कि नहीं है। पेपर है आपके पास आपके घर जमीन का? हाँ है, सब चीज पेपर है, सब कागज है, पटना के है, मुंगेर के है, बेगूसराय सब एरिया के है, सब कागज है, सब मौजूद है, कोई नहीं बाबू भैया ने कोर्ट कचहरी कोई नहीं काम किया। अब क्या कीजिएगा? अब हम लोग सरकार यही मरेगी, अब जो सरकार करेगा मार के यहाँ रखो चाहे घर दिलाओ। अति गरीब लोग हैं और इनका जमीन वहाँ के दबंगों के द्वारा हड़प लिया गया है। यहाँ तक जो मौलिक आवश्यकता लोगों की है, भोजन वस्त्र और आवास, तो आवास की जो इनकी समस्या थी वहाँ से भी इनको बेदखल कर दिया गया है। और इससे पीड़ित होकर के ये शर्मा जी पूरे बेगूसराय जिला कमिश्नरी सीएम हर एक जगह इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इन पर कोई जो है से कार्रवाई नहीं हुई। इनको अभी तक जो है बसाने की ये सरकार काम नहीं किया। ये सरकार अपने को सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं, लेकिन इनको देखने से साफ साफ जाहिर हो जाता है यह सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है, जिस के सरकार में एक गरीब को न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए हम इस डीएम साहब से भी अनुरोध करते हैं कि 24 घंटा के अंदर इनकी समस्या को देखकर इनको पुनः
घर में बसाने का काम करते हैं। ये बेचारे भूमिहीन लोग, गरीब लोग, और इन्होंने सारे जगह आवेदन दे करके इन्होंने थक गए और अंत में होकर के ये बेचारे धरना पर बैठे, और धरना के बैठने के क्रम में अंचल अधिकारी मटिहानी आए और इनको यहाँ से बुला करके ले गए कि चलो कि हम आपको घर में बसा देते, लेकिन वहाँ जा कर के इन्होंने सड़क पर रहे और इनको उल्टे ये बोल रहे हैं कि हमको धोपने लगा प्रशासन, और इनको फिर इनको मजबूर होकर के धरना पर बैठना पड़ा। इन्होंने ये बात बता रहे हैं कि हमको थाना अध्यक्ष के सामने और अंचल अधिकारी के सामने हमको, और उल्टे कहा कि हम इनको मार देंगे और हम बेल करा लेंगे, हमको इतना को मारता है तो बेल होता है, हमको बेल नहीं होता है। इनके द्वारा, हम वहाँ नहीं थे लेकिन इनके द्वारा बताया गया। मैं कल गया था, मैं धरना पर बैठे हुए थे, मैं उनको लेकर स्थल पर गया, और मैं आज बुलाया कि आज ऑफिस में आइए, मैं अमीन को बुलाता हूँ, अमीन के साथ में जाऊँगा, दस्तावेज मैं उनसे प्राप्त किया, अमीन से नापी उपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज फिर धरना पर बैठ गए, मैं उनको ऑफिस में बुलाया हूँ और मैं फिर स्थल पर जा रहा हूँ अमीन को लेकर के, उसका नापी जोखी करके देख लेंगे कि क्या वास्तविक स्थिति है, स्थलीय स्थिति है, इसके बाद हम आगे का कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। आपने सुना कि किस तरह पदाधिकारी के द्वारा इन्हें छला गया, अब देखना होगा कि अब क्या वाकई में अब जिला पदाधिकारी वापस फिर से इस पे संज्ञान लेते हैं, और पदाधिकारी जो कि इनको ठग के वहाँ पे ले गए थे और वापस इन्हें फिर वापस यहीं पे धरना पे बैठना पड़ा, अब देखना होगा कि क्या इस पे कुछ असर होता है या फिर इनका धरना अनवरत यूँ ही चलता रहता है। बेगूसराय से न्यूज़ कोऑर्डिनेशन के लिए मैं कृष्ण बल्लभ नारायण।